धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति जी, खेलों की ओर विशेष रूप से 2014 के पश्चात से, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार आई, तब से बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वो सुविधाएं उपलब्ध कराने का विषय हो, चाहे वो नीतिगत मामले हो, और चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो, यानी प्रत्येक दृष्टि से। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का एक वैशिष्ट्य होता है कि वो किसी भी विषय को संपूर्णता के साथ उसको देखते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसके प्रत्येक अंग को वो स्पर्श करते हुए उसके विकास का एक खाका तैयार करते हैं और फिर उसको एक कुशलता के साथ उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो खेल से जुड़ा हुआ भी प्रत्येक विषय उनकी दृष्टि में रहा है और इसलिए जो धन का आवंटन है वो निरंतर बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं। जैसा मैंने कहा, खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश में एक खेल का वातावरण बना है। और अभी गत वर्ष जो एक कार्यक्रम जिसकी उन्होंने प्रेरणा दी, हमारे खेल मंत्री जी ने उसके विषय में बहुत उत्साहपूर्ण ढंग से सबसे चर्चाएं की, जो सांसद खेल प्रतियोगिताएं हुई, उस सबसे भी कुल मिलाकर के खेल का एक बड़ा अनुकूल वातावरण देश के अंदर बना है। और इसका परिणाम हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंदर दिखाई देता है। मेडल्स की टैली हमारी बहुत इम्प्रूव हुई है, हमेशा हम निरंतर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं। यानी हमारे उड़न सिख मिल्खा सिंह जी की जो इच्छा थी कि एथलेटिक्स के अंदर कोई हमको मेडल प्राप्त हो, वो भी अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पश्चात के वर्षों में गत वर्ष पूरा हुआ है। यानी एक अद्भुत हम गति से निरंतर खेलों की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, हमारे खेल मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और संपूर्ण जो टीम है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। खेल, जैसा मेरे कई पहले साथियों ने कहा, खेल केवल मेडल के लिए या केवल कुछ हम उस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करें इसके लिए उसको प्रोत्साहन देना आवश्यक नहीं है। वास्तव में सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से भी खेलों का बड़ा भारी महत्व है। खेल है तो व्यक्ति के अंदर एक एकाग्रता का निर्माण होता है, कैसे अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करके वो उसको ठीक ढंग से उसका उपयोग करे, क्योंकि उसके बिना सफलता मिलती नहीं है। और ये जो गुण का जो विकास होता है, इस प्रकार के जो गुण जो विकसित होते हैं वो जीवन के अंदर भी काम आते हैं। इसी प्रकार से जीत हार को समान रूप से देखना, खेल रहा है खिलाड़ी, बहुत बार जो है हारता भी है, बहुत बार जीतता भी है। और इसी प्रकार से टीम स्पिरिट, क्योंकि इंडिविजुअल स्पर्धाएं भी होती हैं लेकिन टीम स्पर्धाएं भी होती हैं। टीम स्पर्धा के अंदर बहुत बार हमारी जो हॉकी है या फुटबॉल है, बहुत बार किसको कैसे पास देना है, कबड्डी है या क्रिकेट है या अन्य ऐसे टीम के जो खेल हैं, उसमें यदि खिलाड़ी के अंदर टीम भावना नहीं होगी तो बहुत बार वो अपने ही प्रोजेक्शन को ध्यान में रख करके यदि खेलेगा तो उसकी टीम जीतती नहीं है। तो टीम की भी जो भावना है वो भी खेल के द्वारा विकसित होती है। मैंने इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण करने की दृष्टि से भी खेल का बड़ा भारी महत्व है। और इस नाते खेलों को जो प्रोत्साहन दिया गया है या दिया जा रहा है निरंतर, उसका मैं समझता हूं कि बहुत ही अभिनंदनीय परिणाम पूरे देश के अंदर दिखाई देता है। अभी मैं थोड़ा सा मेरठ की दृष्टि से भी बात करूं तो मेरठ खेल के सामान के उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। यानी हम केवल क्रिकेट तो जरा चर्चित ज्यादा है, क्रिकेट बहुत ज्यादा लोकप्रिय है इसलिए उसके बल्लों की बात जरा ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई ब्रांड हमारे मेरठ के अंदर वो निर्मित होते हैं, चाहे वो टेबल टेनिस का हो, चाहे वो एथलेटिक्स का हो, चाहे वो अन्य स्पर्धाएं हो। यानी उसके अंदर विश्व स्तरीय
जो गुणवत्तापूर्ण हमारा सामान है हमारे मेरठ के अंदर वो बनाया जाता है। और इसलिए प्रदेश सरकार ने भी ODOP जो उसकी योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसके अंदर खेल को ही मान्य किया है। हालांकि मेरठ में और भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है लेकिन ODOP के अंदर खेल को ही उन्होंने मान्य किया है। और अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी हमको इस कारण से कह लीजिए या खेलों की जो गतिविधियां मेरठ के अंदर होती हैं उसके कारण से कह लीजिए, उन्होंने भी हमको एक एक प्रकार का आशीर्वाद दिया है मेरठ को कि मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय उसकी घोषणा हुई, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गत 2 जनवरी को किया गया और बहुत अच्छे ढंग से एक बड़ा विश्वविद्यालय खेल का वो मेरठ के अंदर बनने जा रहा है। उसके बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने भी पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने उसके अंदर मेडल जीते, जिन्होंने उसके अंदर भाग लिया, सबका एक सम्मान का कार्यक्रम मेरठ के अंदर किया, उसके कारण से भी खेल की गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा, उसके प्रति उत्साह पूरे मेरठ में और उसके आसपास क्षेत्र के अंदर निर्माण हुआ। तो मेरठ के बारे में इस बात का भी थोड़ा सा मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मैं ये मेरठ जैसा मैंने कहा कि खेल उत्पादन खेल सामान का जो उत्पादन है उसमें तो अग्रणी है ही, परंतु विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी भी मेरठ ने निरंतर दिए हैं, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो तीरंदाजी हो, वो शूटिंग हो या हॉकी हो, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेरठ के अंदर निर्मित हुए हैं। मेजर ध्यानचंद, हमें बड़ा सौभाग्य है मेरठ को कि मेजर ध्यानचंद बहुत समय तक मेरठ के अंदर वो सेना के अधिकारी के रूप में वहाँ पर रहे और उन्होंने उनके कारण से हॉकी को बहुत वहाँ पर प्रश्रय भी मिला, प्रोत्साहन भी मिला। लेकिन एक दो बातें मैं कहना चाहता हूँ मेरठ को लेकर के ही, इतने सारे वैशिष्ट्य के बाद भी मेरठ को अभी तक भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये इसको नहीं बनाया गया है। तो मेरा माननीय खेल मंत्री से निवेदन है कि वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक बनाएं जिससे कि सब प्रकार की जो अन्य सुविधाएं हैं वो उसको प्राप्त हो सके। अभी पिछले दिनों खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत वहाँ पर एक एस्ट्रो टर्फ का 4 साल से निर्माण चल रहा था, तो पूरा उसका लोकार्पण हुआ, उस पर अब टूर्नामेंट होने लगे हैं। और वास्तव में माननीय सभापति जी, यदि हमने एस्ट्रो टर्फ के संबंध में देश की आज़ादी के बाद जरा तेजी से हमने कुछ काम किया होता तो जो बादशाहत हमारी हॉकी के अंदर बनी हुई थी पूरी दुनिया के अंदर वो इतनी जल्दी से उसमें कमी नहीं आती, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो मैचेस हैं वो एस्ट्रो टर्फ पर होते हैं। हमने उसके अंदर एस्ट्रो टर्फ बनाने में थोड़ा सा धीमा हमारी गति रही और मैं ये कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि मेरठ के अंदर एस्ट्रो टर्फ बना है, केवल दूसरा एस्ट्रो टर्फ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, ज्यादा संख्या होगी, आज सारे खिलाड़ियों को एस्ट्रो टर्फ पर ही अभ्यास करना पड़ता है और उसके अंदर अभ्यास करेंगे तभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर यशस्वी हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के कि मेरठ के अंदर एस्ट्रो टर्फ का निर्माण हुआ, वो वहां पर लगा और वहां पर उसके ऊपर प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरठ ने एथलेटिक्स के अंदर भी बहुत खिलाड़ियों का को दिया है, तेज चाल के अंदर प्रियंका गोस्वामी हैं या और जो हमारी दौड़ने के अंदर हमारे कई खिलाड़ी हैं उनको दिया है, परंतु वहां पर सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि सिंथेटिक ट्रैक यदि वहां पर एक हो जाएगा, एक स्टेडियम के अंदर कैलाश प्रकाश स्टेडियम वहां पर वो हो जाएगा या अन्य किसी स्थान पर हो जाएगा, तो उसका लाभ सब प्रकार के खिलाड़ियों को अभ्यास की दृष्टि से मिल जाएगा। एक और बात मैंने पहले भी विषय उठाया था संसद के अंदर कि खिलाड़ियों को खेलते समय छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, वो इंजरी सामान्य चोट से थोड़ी अलग होती है, उनको अलग प्रकार से उनकी देखभाल की जाने की जरूरत होती है। तो एक ये बात आई कि प्रत्येक स्थान पर इस खेल मंत्रालय के द्वारा संभवतया स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाने की स्थिति नहीं है। मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सामान्यतया उत्तर प्रदेश का तो मैं कह ही सकता हूँ, प्रत्येक जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, खोले जा रहे हैं, कमिश्नरी लेवल के ऊपर तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वहाँ पर हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की एक व्यवस्था की जाए कि जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें स्पोर्ट्स इंजरी को देखने के लिए एक डेडिकेटेड वहां पर एक वार्ड हो, एक व्यवस्था हो, उसके एक्सपर्ट्स हों जो उसकी चिंता करें, ताकि यदि खिलाड़ी को कोई चोट लगती है तो उसकी व्यवस्था की जा सके और वो उसका जो खेल का जो जीवन है वो उस चोट के कारण से बाधित ना हो, वो स्वस्थ होकर के पुनः अपना अभ्यास कर सके या उसको और भी जो सहायता दी जा सकती है उसको दी जा सके। तो स्पोर्ट्स इंजरी के सेक्टर ये सेंटर ये इस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डेडिकेटेड बनाए जाए तो उसका जो व्यवस्था है वो सुगमता से हो सकेगी। कुल मिलाकर के
जो खेल का वातावरण देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे खेल मंत्री जी के सक्रिय निर्देशन में जो हो रहा है वो अद्भुत है, और हमें पूरा विश्वास है कि खेल का वातावरण निरंतर बहुत अच्छा होते हुए हम खेल के अंदर, प्रत्येक खेल के अंदर दुनिया में बहुत अच्छा यश प्राप्त करेंगे। मैं बहुत बहुत इस चर्चा का को सदन में करने के लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे अवसर देने के लिए पुनः अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।